गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. एज वी आर ऑन चैप्टर 17 सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स. इन दिस आई टोल्ड यू अबाउट इंट्रोडक्शन अबाउट इंटरनेट, हाउ आवर इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड ऑन द इंटरनेट एंड व्हाट इज द एथिकल इश्यूज वी फेस्ड ऑन आवर इंफॉर्मेशन. सो इन दिस द फर्स्ट वन इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, प्लैगरिज्म एंड डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स. आई टोल्ड यू अबाउट दैट. सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में आपके जो इश्यूज़ होते हैं वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन्फ्रिंजमेंट में आ जाते हैं, जैसे कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, पेटेंट, ट्रेडमार्क. सो ये सारी जो टेबल आपके यहाँ पर दे रखी है ना, दिस टेबल इज़ योर इम्पोर्टेंट है ये टेबल. सी कि जो टर्म ऑफ प्रोटेक्शन होता है, सो कॉपीराइट्स का जो होता है ऑथर्स लाइफ प्लस 60 मोर ईयर्स इन इंडिया, एंड जो पेटेंट्स का है वो 20 ईयर्स से, एंड ट्रेडमार्क फॉर एज लॉन्ग एज द मार्क इज़ यूज्ड इन कॉमर्स. सो ये सारी चीज़ें थी. उसके बाद में प्लैगरिज्म के बारे में हमने देखा. द प्लैगरिज्म इज स्टीलिंग समवन एल्स इंटेलेक्चुअल वर्क एंड रिप्रेजेंटिंग इट एज योर ओन वर्क विदाउट गिविंग क्रेडिट टू क्रिएटर और विदाउट साइटिंग द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. साइटिंग मीन्स इन जो आपके इन्वर्टेड कोमा में आप राइट करके और नीचे उस ऑथर का या उस क्रिएटर का नेम हम दे देते हैं, तो दैट मीन्स वो इन्वर्टेड कोमा वाला जो कंटेंट होता है वो आपका प्लैगराइज नहीं होता, प्लैगरिज्म में नहीं आता वो. सो हाउ नॉट टू प्लैगराइज. एज मोस्ट यूनिवर्सिटीज पुट इन देयर स्टूडेंट्स हैंड बुक टू अवॉइड प्लैगरिज्म, यू मस्ट गिव क्रेडिट वैन एवर यू यूज़ अनदर पर्सनस आइडिया, ओपिनियन और थ्योरी. अगर आप किसी दूसरे पर्सन का आइडिया, ओपिनियन या थ्योरी यूज़ करें तो आप उसको क्रेडिट करें. कोटेशन ऑफ अनदर पर्सनस एक्चुअल स्पोकन और रिटन वर्ड्स, जैसे कोई स्पोकन वर्ड्स होते हैं किसी साइंटिस्ट के, किसी ऑथर के, है ना, या किसी फिलोसोफर के, तो उन वर्ड्स को आप अपने कंटेंट में, आप अपने डॉक्यूमेंट में या जो भी आप बना रहे हैं तो वो चीज़ आप उसमें ऐड ना करें. अगर आप ऐड कर रहे हैं सो दैट मीन्स आपको वो साइट कर जो है साइटेशन करना पड़ेगा उसका, यानी आपको उसको इन्वर्टेड कोमा में लिखना पड़ेगा और उन वर्ड्स को आपको बताना पड़ेगा भाई ये कोटेशन है. पैराफ्रेज ऑफ अनदर पर्सनस स्पोकन और रिटन वर्ड्स. Now plagiarism is offense. So if plagiarism involves copying not only idea but also a substantial portion of copyrighted work without attribution and without permission, it would amount to both copyright infringement and the violation of the special right of the author to be credited. So copyright infringement and the violation of author's right to be credited are both civil wrongs and criminal offense. So a civil suit may be instituted and criminal charges may also be filed. तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं प्लैगरिज्म में से कुछ किसी का कुछ पोर्शन ले रहे हैं आप, या आप मान लो एक पैराग्राफ ही ले रहे हैं, सो दैट पैराग्राफ भी आपका वो प्लैगरिज्म ऑफेंस में आएगा और उसमें आपको जो है इन कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट बोलेंगे या फिर वायलेशन ऑफ ऑथर्स राइट्स, तो आप उसको क्या होगा, वो एक टाइप का क्रिमिनल ऑफेंस है और उसमें आपको क्रिमिनल चार्जेस भी लगेंगे, मतलब एक कोई केस आप पे फाइल हो सकता है. नेक्स्ट आपका था कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट. रेफर्स टू यूजिंग कॉपीराइटेड वर्क विदाउट द कंसेंट और परमिशन ऑफ द कॉपीराइट होल्डर. द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अकर्स व्हेन एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स फैब्रिकेट कॉपीराइटर्स. कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट में देखिए, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट रेफर्स टू यूजिंग कॉपीराइटेड वर्क विदाउट द कंसेंट ऑफ परमिशन ऑफ द कॉपीराइट होल्डर. तो आप क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखे हैं कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट की, कि सेलिंग पायरेटेड बुक्स. पायरेटेड मीन्स जो आप क्या करें, जैसे आपने एक बुक परचेज की एंड दैट बुक आप उसके हर एक पेज को आपने एज इट इज़ टाइप करा लिया और उस पेज को, उस उनके पूरे बुक के कंटेंट को आपने टाइप करा कर स्टार्टिंग के 2-3 पेजेस और लास्ट के 2-3 पेजेस में आपने उसमें चेंजेस किए, कवर पेजेस चेंज कर दिए बुक के एंड उसको अपने नाम से पब्लिश करा दिया, या उसी बुक के ब्रांड के नाम से आपने उसकी कॉपीज मार्केट में आपके जो पब्लिश करा दिए आपने किसी जो पब्लिकेशंस होती हैं उन पब्लिकेशंस पे जाकर आपने, मान लो कोई एक बुक आप खुद उसको जो है मार्केट में लॉन्च कर रहे हो कम पैसों में, तो क्या होगा, वो भी एक टाइप का कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट में आएगा, वो भी एक टाइप का क्राइम है.
सेलिंग कॉपी डुप्लीकेटेड आर्ट वर्क, किसी की आर्ट की डुप्लीकेट बना के उसको हम सेल करें। सेलिंग पायरेटेड सॉफ्टवेयर, मोस्टली अभी ये तो बहुत कॉमन हो गया कि पायरेटेड सॉफ्टवेयर आपको इंटरनेट पर अवेलेबल होते हैं। हमें कोई सॉफ्टवेयर अगर परचेज़ करना है और हम नहीं करना चाहते तो उस सॉफ्टवेयर की जो कॉपी रहेगी वो एक पायरेटेड सॉफ्टवेयर वहाँ पर इंटरनेट पर अवेलेबल होते हैं। जैसे आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की बात करें तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को आपको परचेज़ करना पड़ता है एक टाइप से ना, और वो ईयरली आपको लाइसेंस देता है एक साल का, और उस एक साल में जो भी वायरसेज होते हैं वो आपको अपडेशंस वगैरह सारी चीज़ें प्रोवाइड कराता है। बट इन केस हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग नॉर्मली इंटरनेट से जाते हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, उसको हमारे सिस्टम में इंस्टॉल किया एंड हम सोचते हैं कि हम सिक्योर हैं, तो वो एक टाइप से पायरेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं और वो उतनी ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करते। नाउ परफॉर्मिंग अ प्ले इन पब्लिक विदाउट ऑब्टेनिंग परमिशन फ्रॉम द प्लेराइट, ऑनलाइन पायरेसी एंड मेनी अदर सच एक्ट्स, तो ये सारी चीज़ें आपकी कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट में आएंगी। अब ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट क्या है? देखिए भाई, ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट इज़ द अनऑथराइज्ड यूजेज ऑफ अ मार्क दैट इज़ आइडेंटिकल और डिसेप्टिवली सिमिलर टू अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। द टर्म डिसेप्टिवली सिमिलर हेयर मीन्स दैट व्हेन एन एवरेज कंज्यूमर लुक्स एट द मार्क इट इज़ लाइकली टू कन्फ्यूज हिम हर ऑफ द ऑरिजिन ऑफ द गुड्स और सर्विसेज। सो अ ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट इज़ द अनऑथराइज यूजेज ऑफ मार्क दैट इज आइडेंटिकल और डिसेप्टिवली सिमिलर टू अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। ठीक है, आप उसी का सिमिलर बना कर हल्का सा एक माइनर सा चेंज दिखा दें जो यूज़र उसको समझ ही नहीं पाए और वो यूज़र सोचे कि भाई ये इसी ट्रेडमार्क कंपनी का है या ये जो है इसी ब्रांड का है, और वो आपके प्रोडक्ट को जो आपने ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट में जो चीज़ की है तो वो आपके उस ट्रेडमार्क को देखकर, बिकॉज ध्यान से नहीं देखोगे तो आपको नॉर्मली लगता है कि हाँ जेन्यून है, बट जब हम उसको प्रॉपर देखते हैं ट्रेडमार्क को हम क्लियरली अगर मैच करेंगे तो उसमें फिर पता चलता है यार इसमें थोड़ा सा चेंजेस था, यानी कि ये डुप्लीकेट है, तो वो चीज़ आपकी जो है वो भी एक क्राइम है। उसके बाद देखिए आपका था डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स। तो डिजिटल प्रॉपर्टी मतलब जो भी इंटरनेट पर हमारे कंटेंट है वो सब डिजिटली स्टोर होता है, डिजिटल फॉर्म में, डिजिटल सिग्नल्स की फॉर्म में हमारा जो भी डेटा है वो स्टोर रहता है। तो डिजिटल प्रॉपर्टी रेफर्स टू एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट यू और क्रिएटेड बाई यू दैट एग्जिस्ट इन द डिजिटल फॉर्म आइदर ऑनलाइन और एन इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस। डिजिटल मीन्स क्या है? कंप्यूटर में आप कुछ भी स्टोर करेंगे दैट स्टोर्ड इन अ डिजिटल फॉर्म। और डिजिटल मीन्स ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इंटरनेट पर जो कंटेंट होता है वही डिजिटल होता है, आपके सिस्टम में जो फाइल्स स्टोर्ड है वो भी डिजिटल फाइल ही कहलाएगी। सो डिजिटल प्रॉपर्टी का मतलब है आप अपने सिस्टम में कुछ भी डेटा अरेंज करते हैं, मान लो कोई आप किसी कंपनी में एम्प्लॉई हैं और उस कंपनी के कोई प्रोजेक्ट्स डिटेल्स हैं, सो दैट प्रोजेक्ट जो वो बना रहे हैं या वो प्लान कर रहे हैं या उनके जो न्यू प्रोडक्ट वो लॉन्च करेंगे उससे रिलेटेड उन्होंने कुछ फाइल्स वगैरह जो होती हैं या डॉक्यूमेंटेशंस जो होते हैं वो उन्होंने स्टोर कर रखे हैं कंप्यूटर में, सो दैट कंप्यूटर में जो वो डेटा स्टोर्ड है वो एक टाइप की डिजिटल प्रॉपर्टी है। और डिजिटल प्रॉपर्टी के साथ अगर कुछ मिसयूज़ आप करेंगे या विदाउट एक्नॉलेजमेंट ऑफ द यूज़र आप उसको जो है यूज़ कर रहे हैं या उसको कॉपी कर रहे हैं, देखते हैं आप मूवीज़ में होता है कहीं जो आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं उनकी डील्स वगैरह होती हैं तो वो एक जो उनका क्या बोलते हैं उसको, हाँ वो जो आपके जो बड़ी कंपनीज जो होती हैं वो क्या करती हैं, जैसे वो किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो वो ऑक्शन लगता है तो वो अपना एक फ़ाइल क्रिएट करती हैं, दैट फाइल में आपका जिसका सबसे कम बजट होता है या सबसे कम अमाउंट होता है वो उस टाइप से वो सेलेक्ट हो जाता है, तो वो भी एक टाइप से क्या होता है कि उसमें आपके जो आपने जो फाइल्स बना रखी थी या आपने जो एक्चुअल अमाउंट वगैरह वो डिस्प्ले करा रखा था वो अगर किसी और कंपनी को पहुँच जाए, या फिर आप कोई मान लीजिए कार का डिज़ाइन, आपने कार डिज़ाइन की और वो आपके कार का डिज़ाइन मान लीजिए आपके सिस्टम से कोई आपका फ्रेंड या आपका कलीग उसको किसी अदर कंपनीज़ में सेल कर दे या अदर कंपनीज़ को दे दे, तो क्या होगा आपकी प्रॉपर्टी जो आपकी डिजिटल प्रॉपर्टी है उसको वो एक टाइप से फ्रॉड हो जाएगा आपके साथ। सो डिजिटल प्रॉपर्टी रेफर्स टू एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट यू और क्रिएटेड बाई यू
that exist in digital form, either online or in electronic storage device. All of your digital property comprises what is known as your digital estate. So example of digital property includes any online personal account, such as email and communication accounts, social media accounts, shopping accounts, photo and video sharing accounts, वीडियो गेमिंग अकाउंट्स, ऑनलाइन स्टोरेज अकाउंट. तो ये सारी चीज़ें क्या हैं भाई आपकी, ये डिजिटल प्रॉपर्टीज़ में आती हैं. अब इस डिजिटल प्रॉपर्टीज़ में ये सारे एग्जांपल्स आप मेमोराइज कर लें एक बार, तो ठीक है. उसके अलावा अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो पूछ लेना मुझसे. डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स लाई इन विद द ओनर. सो लीगली अ पर्सन हु हैज़ क्रिएटेड इट और द ओनर हु हैड गॉट इट डेवलप्ड बाय पेइंग लीगली इज द लीगल ओनर ऑफ अ डिजिटल प्रॉपर्टी. ओनली द ओनर कैन यूज एंड डिसाइड हु ऑल एंड इन व्हाट फॉर्म कैन हिज हर डिजिटल एसेट मे बी यूज्ड बाय अदर, वेदर बाय मेकिंग पेमेंट or by buying it or by obtaining its license or usage rights etc. but this is not the case generally. there are many threats to digital properties. सबसे पहला जो है डिजिटल प्रॉपर्टीज़ का जो थ्रेट है, जो सबसे ज़्यादा होते हैं उनमें यहाँ पर कुछ हैं. फर्स्ट वन इज डिजिटल सॉफ्टवेयर पेनिट्रेशन टूल्स. Although one needs to buy usage right of license to use a digital property, there are many software penetration tools such as cracks and keygens. ये tools ऐसे हैं कि ये किसी भी software की keys generate कर लेते हैं और वो software आप जो है ना उसका एक original software की तरह वो work कर सकता है. तो ये tricks होती हैं, टेक्निक है ये. crack किसी भी software की key जो होती है, जिस की से वो स्टोर्ड होता है, जैसे एंटीवायरस होता है या आपकी विंडोज़ होती है, तो इनका एक पास कोड होता है, एक की होती है. वो की क्या करती है भाई, वो की आपके इसको हेल्प करती है इंस्टॉल होने में. तो वो यूनिक की होती है और वो उसी को दी जाती है जो ऑथेंटिक होता है. बट यहाँ पर क्या होता है, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं, कुछ पेनिट्रेशन टूल्स हैं, हम सॉफ्टवेयर के पेनिट्रेशन टूल्स बोलते हैं इनको, कि क्रैक्स एंड कीजेंस. ये क्या करते हैं कि उस प्रॉपर सॉफ्टवेयर के रजिस्ट्रेशन को अनएथिकली क्रैक करके और वो इंस्टॉल कर देते हैं. तो ये जो है डिजिटल सॉफ्टवेयर पेनिट्रेशन टूल्स बोलते हैं इसे हम. नेक्स्ट, स्टीलिंग एंड प्लगराइजिंग कोड्स ऑफ योर डिजिटल प्रॉपर्टीज़. हम किसी के सॉफ्टवेयर का प्रॉपर सोर्स कोड जो हम बनाते हैं पाइथन के प्रोग्राम्स, वो पाइथन के प्रोग्राम्स अगर हम किसी और सिस्टम में रन करेंगे तो वो एज इट इज़ रन होते हैं ना पाइथन का प्रोग्राम. तो उसी टाइप से अगर किसी सॉफ्टवेयर की कोडिंग, जो सोर्स कोड होता है, वो सोर्स कोड या कोडिंग हम किसी को सेल कर दें, तो वो उसी सैम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर सकता है ना, थोड़े बहुत चेंजेस कर देंगे हम उसमें. तो इस टाइप के सॉफ्टवेयर की जो इश्यूज़ हैं वो डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स में आते हैं, थ्रेट ऑफ डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स. नेक्स्ट आपका है डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स प्रोटेक्शन. एंटी टेम्पर सॉल्यूशन, लीगल क्लॉजेज एंड लिमिट द शेयरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर कोड. तो ये तीन जो हैं, आप इससे अपने डिजिटल प्रॉपर्टी के प्रोटेक्ट कर सकते हैं. इसमें सिंपल है, एंटी टेम्पर सॉल्यूशन. देर आर मेनी एंटी टेम्पर सॉल्यूशन अवेलेबल टुडे विच इंश्योर दैट योर डिजिटल प्रॉपर्टी इज टेम्पर प्रूफ. दिस एंटी टेम्पर सॉल्यूशन यूज अ होस्ट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजीज टू प्रिवेंट हैकर्स फ्रॉम हैकिंग. तो कहने का मीन्स ये एंटी टेम्पर जो होते हैं आपके, जैसे एंटी वायरस सॉफ्टवेयर हैं, वो वायरस से आपको सिक्योर करता है, तो एंटी टेम्पर जो है वो हैकर्स से आपको जो है सिक्योर करते हैं. इस टाइप के सॉफ्टवेयर का यूज़ करके एंटी टेम्पर सॉल्यूशंस आप यूज़ कर सकते हैं अपने सिस्टम में से, जो अभी आपकी डिजिटल प्रॉपर्टीज है उसको सेफ रखने में. लीगल क्लोज, एट लीगल क्लोज इज द क्लोज ऑफ यूज ऑफ योर सॉफ्टवेयर डिजिटल प्रॉपर्टीज. यू मस्ट इंक्लूड अ ट्रांसपेरेंट क्लोज इन योर सॉफ्टवेयर टर्म ऑफ सर्विसेज. ये चीज़ आपको प्रॉपर पढ़नी चाहिए एक बार. लिमिट द शेयरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर कोड. यू शुड शेयर योर सॉफ्टवेयर कोड ओनली विथ ट्रस्टेड इंडिविजुअल्स हु आर अ पार्ट ऑफ योर डेवलपमेंट टीम. जब एक सॉफ्टवेयर बनता है तो उसके लिए एक डेवलपमेंट टीम क्रिएट की जाती है. अब उस डेवलपमेंट टीम पे आपको ट्रस्ट होना चाहिए, एंड यू जस्ट योर सोर्स कोड जो है उस सॉफ्टवेयर का, वो सोर्स कोड आपको उन्हीं लोगों को शेयर करना चाहिए जिन पर आप ट्रस्ट करते हैं, जो आपके ट्रस्ट वर्थी हों. सो यू शुड ऑल्सो यूज़ अ डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट सॉल्यूशन टू प्रोटेक्ट योर सॉफ्टवेयर फ्रॉम बींग स्क्रैप्ड फॉर सोर्स कोड यूजिंग डिकम्पाइलर्स. तो आपके सोर्स कोड की जो है ना, वो आपको डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट सॉल्यूशन यूज़ करना चाहिए, जिससे आपका सोर्स कोड प्रोटेक्ट रहे और वो आपके जो भी टीम है वो टीम आपको
ट्रस्टवर्थी होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। ओके, सो बहुत सिंपल चैप्टर है, इसको पढ़ लो। सेल्फीज अगर रीड करेंगे तो आई होप सो कि क्लियर हो जाएगा तुम्हारा ये चैप्टर। इस यूनिट में तो बस पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है, यही सारी चीज़ें हैं, इंटरनेट पर क्या होता है, कैसे होता है, कब हमें क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ें हैं। इसके बाद इन द नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ओपन सोर्स फिलॉसफी एंड सॉफ्टवेयर लाइसेंस के बारे में बता दूंगा। इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय ओपन सोर्स। बहुत सिंपल होता है ओपन सोर्स, जिसके सारे सोर्स ओपन रहते हैं, इस टाइप से है सॉफ्टवेयर जो होते हैं अभी, जो नॉर्मली हम इंटरनेट से डाउनलोड कर लेते हैं और वो प्रॉपरली वर्क करते हैं, लाइक एमएस ऑफिस है, इस टाइप के जो सॉफ्टवेयर हैं ओपन सोर्स होते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं मार्केट में, इंटरनेट पर हम डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, एक बार आप खुद भी पढ़ें। ओके, सो थैंक यू सो मच।